हेलो दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर एंड वेलकम 2024 विद अ बैंग। वेल, इस साल में मार्केट्स ने एक स्टेलर रिटर्न दिया है। अगर हम निफ्टी को देखें, 20% गेन इन अ ईयर। वेल, इट्स बीन ट्रिमेंडस फॉर एन इन्वेस्टर एंड ट्रेडर्स। बट उससे ज्यादा जो वेल्थ क्रिएशन हुई है वो है मिड कैप एंड स्मॉल कैप। मिड कैप विद अ गेन ऑफ 48.8%, स्मॉल कैप गेन ऑफ 55%। वेल, एक इन्वेस्टर के लिए और एक प्रोबेबली ट्रेडर्स के लिए भी बोल सकता हूँ, कौन सा सेक्टर या प्रोबेबली मिड कैप में रहना चाहिए, स्मॉल कैप में रहना चाहिए या इसे शिफ्ट टू लार्ज कैप, ये कैसे डिसाइड कर सकते हो आप? वेल, अगर उससे पहले मैं जैसे जो वीडियो मैंने कहा कि व्हाट टू बाय व्हेन, ये एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है एक ट्रेडर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए। आपको लगेगा कि यार मिड कैप में तेजी हुई है, कहीं ना कहीं गुशा रुक जाएगी, पैसा मिड कैप से लार्ज कैप में आ जाएगा या प्रॉपर्ली मिड कैप से स्मॉल कैप में चला जाएगा, तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करना चाहिए? उसके लिए एक मेथड है रेशियो चार्ट्स। मैं रेशियो चार्ट्स जाने के पहले और एक्सप्लेन करने के पहले, अगर आप हमारे रेगुलर वेबसाइट के विजिटर हो तो आप हमारे ब्लॉग्स रीड करते होंगे। जो हमें अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो डिफाइन एंड सिक्योरिटीज के पेज पे आप जाओगे तो यहाँ पर एक तीन आइकन है, उसमें ब्लॉग्स का आइकन है, तो वहां पर आप जैसे ही ब्लॉग्स पे क्लिक करोगे यहाँ पर बहुत सारे आपको ब्लॉग्स रीड करने मिलेंगे। और मैंने स्टार्ट ऑफ द 2023 जो फर्स्ट डे है वहां पर मैंने एक आर्टिकल लिखा है फ्रॉम मून शॉट्स टू बेली फ्लॉप्स। ये एक ट्रेडर सेंसिटिव वीडियो आर्टिकल लिखा है बिकॉज मैं चाहता हूँ कि 2023 में जो हमारी ट्रेडिंग जर्नल थी उसमें से हम कुछ तो लर्निंग करना चाहिए। प्रॉबेबली मे हैपन दैट आपने कोई स्टॉक बाय किया हो और आपके एग्जिट के बाद वो चला गया हो, तो दैट वुड बी अ रीजन ऑफ फोमो, जिसको बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। प्रॉबेबली ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने लिया हो स्टॉक लॉस हो गया हो बिकॉज अगर शायद आप अपने सिस्टम से बाहर गए हो। तो मैंने कुछ बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स लिखे हैं जो आप उसको रीड करके यूज कर सकते हो। अगर आप डिफाइनेंशियली यूजर हो सिक्योरिटीज के, वहां पर एक ट्रेडिंग जर्नल करके हमारे पास ऑप्शन है, तो कभी भी आप ट्रेड लेते हो गो टू दैट ट्रेडिंग जर्नल, वहां पर आपको ऑप्शंस मिलता है रिपा का डिस्क्रिप्शन है, तो आप वहां पर लिख दीजिए जो मैं फॉलो करता हूँ कि कभी मेरे को इन पैटर्न्स पे ट्रेड दिया है या व्हाट एवर मे बी द केस, वहां पर आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो। तो जाके आप एक छह महीने बाद एक साल बाद जब भी रिव्यू करो आपको वो चीज आ जाएगी कि ये सब सिस्टम बना रहा हूँ, इतना रिटर्न्स बनाया। तो मैं क्विटली टॉपिक ऑफ द वीडियो, ये आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो, तो मैं उसके लिए छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा कि रेशियो चार्ट्स क्या होते हैं, कहाँ पर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप ट्रेड पॉइंट यूजर हो तो आपको क्या करना है, चार्ट्स पे जाना है। यहाँ पर जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो मेरे, मैं चार्ट्स पे जाऊंगा, उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे तो बहुत सारे ओपन हाई लो पॉइंटेड भी तो लाइन ब्रेक रेंको। ठीक है, वैसे ही हम यहाँ पर जाओगे तो रेशियो स्प्रेड चार्ट या सम चार्ट दिख रहा है आपको। आपको क्या करना है, रेशियो उस पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको पूछेगा ब्लू इंस्ट्रूमेंट। अब रेशियो चार्ट क्या होता है, मैं एक इंस्ट्रूमेंट को दूसरे इंस्ट्रूमेंट के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। तो से यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी मिड कैप। ओके, तो मैं यहाँ पर निफ्टी मिड कैप लिखता हूँ। ठीक है, तो मुझे निफ्टी मिड कैप का इंडेक्स मिलेगा। ओके, तो निफ्टी मिड कैप में 100 ले रहा हूँ यहाँ पर, और उसको मुझे कंपेयर करना है निफ्टी 50 के साथ, जो मेरा लीडिंग और बेंचमार्क इंडेक्स। ठीक है, जो अगर हम निफ्टी 50 के स्टॉक्स देखें तो हमारे पास बहुत लार्ज कैप स्टॉक्स है। ओके, मिड कैप में हमारा जो 100 है वो हमारे मिड कैप स्टॉक्स है। तो मैं यहाँ पर अगर जैसे इसको प्लॉट करूंगा, यहाँ पर मैं रेशियो पे क्लिक कर रहा हूँ। अगर आपको दोनों कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप दोनों को टोटल करना है तो आप सम पे यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पर रेशियो कर रहा हूँ बिकॉज मेरे को एक इंस्ट्रूमेंट को दूसरे इंस्ट्रूमेंट के साथ कंपेयर करना है यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर चार्ट एक ओपन हो गया है जिसको बैंक चार्ट है। ठीक है, मैं थोड़ा वीकली पे फोकस करना चाहूंगा बिकॉज मुझे एक शॉर्ट टर्म प्ले नहीं चाहिए, मुझे अब चाहिए कि 3 से 6 महीने में या एक साल के लिए कुछ सेटअप बिल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये चार्ट प्लॉट हुआ उसका मतलब क्या हो रहा है, जो निफ्टी मिड कैप इंडेक्स का प्राइस है, से समझ लो कि निफ्टी मिड कैप इंडेक्स 1000 का प्राइस होगा और निफ्टी 50 100 रुपीज का प्राइस है। तो ये रेशियो क्या प्लॉट करेगा, 10, बिकॉज 1000 डिवाइड बाय 100 10 प्लॉट करेगा। ओके, यहाँ पर बहुत सारे बार ऐसा होता है कि आप कभी रेशियो में प्लॉट करते हो डेसिमल प्लॉट,
तो हमने इसको थोड़ा रेसिमल फॉर्मेट को भी चार्ट साइड पे चेंज कर लिया है। ठीक है, अभी आप अगर देखिए, आपको याद होगा 2020 जिस सब जब से ये रिवर्सल नीचे रिकवरी हुई है, ओके, मिड कैप ने एक आउट परफॉर्मेंस बहुत दिखाया है कंपेयर टू दी निफ्टी। ओके, बीच में एक ऐसा फेज आया जिसमें प्रॉब्लम, मैं बोलूंगा 2023 में भी थोड़ा सा वो एक्सटेंड हो गया था। ओके, यहां पर आप देखोगे, ठीक है, तो ये मैं अगर कर्सर रख रहा हूं तो ये 2021 सेकेंड हाफ से लेके ये कंसोलिडेशन जोन में था। इसका मतलब क्या हो रहा है, थोड़े टाइम के लिए निफ्टी मिड कैप आउट परफॉर्म कर रहा है, थोड़े टाइम के लिए निफ्टी 50 आउट परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे टग ऑफ वॉर दोनों के आउट परफॉर्मेंस अंडर परफॉर्मेंस भी चल रहा था। बहुत बार ऐसा सकता है कि निफ्टी का एक लार्ज कैप, अगर आप देखा हो तो HDFC शायद आउट परफॉर्म कर रही है, ICICI ने आउट परफॉर्म कर रही है, एक्सिस ने आउट परफॉर्म कर रही है, रिलायंस ने आउट परफॉर्म कर रही है। जो लार्ज कैप स्टॉक्स उसमें आपको मिक्स्ड बैग दिख रहा होगा, उसी तरह से मिड कैप में भी मिक्स बैग दिख रहा था। तो ये जो फेज था 2020 से जो वी-शेप रिकवरी आई उसमें मिड कैप ने आउटपरफॉर्मेंस किया था रेड कंपेयर टू द निफ्टी 50। उसके बाद एक कंसोलिडेशन जोन चला गया और यहाँ पर आप एनालिसिस को भी प्लॉट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर समझ लो कि अपर बैंड पे रेजिस्टेंस जोन एड कर देता हूँ यहाँ पर। ओके, तो ये प्रीवियस आया था, मैंने ये रेजिस्टेंस एड कर दिया मैंने, और ये मेरे लिए सपोर्ट है। ठीक है, तो मैं सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे प्ले कर रहा हूँ। ओके, अब आप यहाँ पर जो ब्रेकआउट देखोगे, विच वॉज इन मई 2023 में हिंट आ गई थी कि मिड कैप का रिजम्पशन ट्रेंड, रिजम्पशन ऑफ आउट परफॉर्मेंस ओवर निफ्टी 50 इज ऑन कार्ड्स। ओके, और उसके बाद देख लीजिए मिड कैप के स्टॉक्स ने जो रैली दी है कंपेयर टू द लार्ज कैप्स वो बहुत मल्टीपल्स में हो चुकी है। दिस इज द फर्स्ट टाइम यू कैन लुक एट ऑन द रेशियो चार्ट्स कि कब आपको पैसा मूव करवाना चाहिए मिड कैप टू लार्ज कैप। अगर ये ब्रेकडाउन नीचे की तरफ होता, ये ब्रेकआउट पॉजिटिव आया, अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव ब्रेकडाउन होता, मैं अपना पैसा मिड कैप से रिमूव करके लार्ज कैप में डालता। अगर ये रेशियो नीचे जा रहा है उसका मतलब क्या हो रहा है कि मिड कैप अंडर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी 50 से और निफ्टी 50 आउट परफॉर्म कर रहा है मिड कैप से। ओके, द परसेंटेज में वेरी हो रही है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, जब भी ऐसे कोई टेक्निकल ब्रेकआउट आता है इसका मतलब ये कि मिड कैप आउट। इसके बाद आप स्टॉक सिलेक्शन में भी आते हो सेकेंड फेज में, जहां पर हमारे पास स्कैनर्स अवेलेबल भी है। अगर आप स्कैनर फॉलो कर रहे हो तो आप स्कैनर्स को भी देख सकते हो, बट अगर आप इसको स्टॉक टू स्टॉक भी रेशियो चार्ट निकालने आप उसको भी देख सकते हो। तो यहाँ पर ये फर्स्ट टाइम था मेरे को मई एंड मे 2020 में कि मिड कैप आउट परफॉर्मेंस इज रिज्यूमिंग अगेंस्ट द निफ्टी 50। ठीक है, सेकेंड में आता हूँ। ओके, जैसे अगर आपने देखा 48-48% का रिटर्न्स था कंपेयर टू दी ऑफ 50 मिड कैप कंपेयर टू दी 20% ऑफ निफ्टी 50, व्हिच मींस दैट 28% का आपको वहां पर आउट परफॉर्मेंस दिख रहा है निफ्टी मिड कैप। ठीक है, जैसे आपने जैसे हमने देखा कि स्मॉल कैप 55% का राइज दिया है कंपेयर टू दी निफ्टी 20, तो मैं यहाँ पर अब क्या करूंगा, सिमिलरली चार्ट्स में जाऊंगा, रेशियो चार्ट्स में जाऊंगा। यहाँ पर अब मैं स्मॉल कैप को निफ्टी 50 के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर निफ्टी 50 ऐड करूंगा निफ्टी स्मॉल कैप, क्योंकि मेरे को स्मॉल कैप को 50 के साथ करना है। तो मैं पहले स्मॉल कैप को करूंगा, यहाँ पर स्मॉल कैप 100 आया मेरा। ओके, तो मैं उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब डिनोमिनेटर जो स्क्रिप्ट टू है उसको मैं निफ्टी 50 लूंगा, यहाँ पर क्या कर रहा हूँ निफ्टी 50 ले रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए जो चार्ट प्लॉट होगा, अगेन मैं वीकली चार्ट से स्टार्ट करूंगा, मेरे को डेली में इंटरेस्ट नहीं, मैं आई डोंट वांट टू प्ले शॉर्ट टर्म फॉर अ फ्यू परसेंटेज। अगर मैं यहाँ पर वीकली में जाऊँ और भी इसमें डेटा और थोड़ा अकोमोडेट कर, ठीक है। ओके, हमने देखा 2021 में 2020 के रैली के बाद ये 2022 स्टार्ट में स्मॉल कैप ने अंदर परफॉर्मेंस स्टार्ट किया था अगेंस्ट निफ्टी 50, ये रेशियो नीचे जा रहा है उसका मतलब क्या हो रहा है कि निफ्टी 50 आउट परफॉर्म ये निफ्टी स्मॉल कैप। ओके, हमने 2020 से यहाँ पर देखा एक रैली है। ओके, ये जो मेरा ब्रेकआउट था यहाँ पर मेरा ट्रेंड लाइन लगा था। ठीक है, ओके, अगेन अगर पैटर्न ट्रेडर हो, जैसे मैं पैटर्न ट्रेड जाता था, यहाँ पर एक बुलिश हेड शोल्डर था। अगर आप यहाँ पर देखो तो स्ट्रक्चर है लेफ्ट शोल्डर हेड एंड राइट शोल्डर, उसको रिटेस्ट पे हमने बैठ। अब जो मेरा रेजिस्टेंस लेवल था अब वो मेरा सपोर्ट लेवल बन चुका है। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, देखोगे तो आप ये जो रैली आई थी उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेज आया, उसके बाद नीचे आया। तो अगर मैं इस फेज में हूँ जैसे कि यहाँ पर, मैं क्या करूंगा, मैं अपना पैसा स्मॉल कैप से निकाल के लार्ज कैप में आ जाऊंगा। ओके,
उसी तरह से आप स्मॉल कैप मिड कैप को भी कंपेयर कर सकते हो। मैं जस्ट यहाँ पर निफ्टी 50 के जरिए इसलिए कंपेयर करना चाहता हूँ बिकॉज हमको मालूम है कि लास्ट ईयर 50% रिटर्न था स्मॉल कैप का कंपेयर टू द निफ्टी 50 जस्ट 20%, वो हम हाईलाइट करना चाहते हैं कि कब पैसा आपको चेंज कर। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखिए इस जोन में अगेन एक कंसोलिडेशन जोन आ गया था। यहाँ पर आपको फिर से एक फ्रेश मूवमेंट ब्रेकआउट आया था विच वॉज इन स्टार्ट ऑफ द जून 2023। अब बस 2-3 मिनट पीछे जाता हूं, हमने मिड कैप का चार्ट देखा जो मेन ब्रेकआउट आया था अगेंस्ट द निफ्टी 50 कंपैरिजन में, विच इंडिकेट्स दैट कि निफ्टी का जो आउट परफॉर्मेंस था वो एंड हो रहा है, मिड कैप आउट परफॉर्मेंस स्टार्ट हो रहा है। यहां पर सिमिलरली हमको स्मॉल कैप में भी आउट परफॉर्मेंस दिख रहा है विच वॉज इन फर्स्ट वीक ऑफ जून। ओके, मे एंड मिड कैप आउट परफॉर्मेंस रिजम्पशन दिख रहा है, स्मॉल कैप का हमको जून फर्स्ट वीक, ये इंडिकेट करता है कि अब पैसा आउटफ्लो होने वाला है निफ्टी 50 से, अब वो जाएगा मिड कैप या स्मॉल कैप। अगर आप ये चीज दो चार्ट अगर आप रेगुलरली ट्रैक करते रहोगे आपको ये डेफिनेटली मनी फ्लो मोमेंटम कहाँ आपको इन्वेस्ट करना है वो आपको दिख जाएगा। तो ये छोटा सा वीडियो था मेरे तरफ से हाउ टू लुक एट व्हेन टू इन्वेस्ट व्हेन इनटू द लार्ज कैप मिड कैप एंड स्मॉल कैप। ठीक है, आप इसको स्टॉक के साथ भी कंपेयर कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि आपको स्टॉक मुझे लेना चाहिए, आप टाटा मोटर्स बजाज ऑटो हीरो मोटो मारुति जो भी आप स्टॉक लोगे डिवाइड बाय ऑटो इंडेक्स आप चेक कर सकते हो। वो स्टॉक अगर समझ लो जैसे रिलायंस है, रिलायंस को अगर मुझे वेट्स देखना है, रिलायंस का वेट्स अप्रोक्सीमेट 9% निफ्टी 50 में है एंड समवेयर आई गेस अराउंड 30-32% के आसपास, मेरे को एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है बट अगर एनर्जी टैक्स में देखूंगा तो उसका वेट्स हायर है। तो अगर आपको रिलायंस को ट्रैक करना है आप रिलायंस को निफ्टी 50 के साथ भी कंपेयर कर सकते हो, रिलायंस को एनर्जी साथ भी कंपेयर कर सकते हो। अगर आपको दोनों में ब्रेकआउट दिख रहा है उसका मतलब ये है कि एनर्जी का रिलायंस का एनर्जी का परफॉर्मेंस एक हायर है। जैसे मैंने कहा आप ब्लॉग पे अगर मुझे रीड कर रहा है तो मैंने रिलायंस पे भी एक आर्टिकल लिखा है, इस पे आप जाके उस पे रीड कर सकते हो कि मैंने ये रेशियो चार्ट्स भी वहां पर डाला है रिलायंस में निफ्टी एनर्जी, तो आप इसको ट्रैक कर सकते हो, इससे आपको रिलायंस का ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन भी ईजी होगा। अगर आप इस पूरे डिसंबर सीरीज देखोगे हमने एनर्जी बास्केट में से आईओसी एचपीसीएल बीपीसीएल गेल इवन ओएजीसी को एक आउट परफॉर्मेंस देखा कंपेयर टू द रिलायंस बिकॉज दो उसका वेटेज हायर है, तो निफ्टी एनर्जी का शायद आपको परसेंटेज हायर नहीं दिखे रिटर्न्स इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स कंपेयर टू द स्टॉक्स बिकॉज कि रिलायंस का वेट ज्यादा है, रिलायंस ने थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है। तो इस तरह से आप स्टॉक्स का आउट परफॉर्मेंस अंडर परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हो और उस पर इन्वेस्टमेंट का कंफर्मेशन भी अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक पर आपको कंफर्मेशन दिख रहा है इस तरह से आप उसको कंफर्मेशन कर सकते हो। सो साइनिंग ऑफ विजय।